सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दिनेश गोयल, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका गवर्नमेंट जॉब एकेडमी में। ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 14th और 10th चल रहा है हमारा, और 10th का लेक्चर नंबर है 4th। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताया गया, और लास्ट जो आपका वीडियो था उस लेक्चर में बताया गया था स्टेडी वर्ब्स के बारे में, और यहाँ थोड़ा बहुत वो पार्ट बनाया गया था तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और थर्ड एडवांस पार्ट दोनों यहाँ पे आ जाएंगे स्टेडी वर्ब के बाद, साथ ही मैं यहाँ पे आपको परफॉर्मेटरी वर्ब्स के बारे में बता दूंगा कि परफॉर्मेटरी वर्ब्स क्या होते हैं, किस तरह से वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि स्टेडी वर्ब्स में अभी हमने एक केस दिखा था हैव का, है ना, कि अगर पोजीशन दिखा रहा है तो स्टेडी वर्ब है, लेकिन अगर आपका एक्शन दिखा गया तो आईएनजी यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। ठीक है ना, ये चीज़ है। मैं दो चार एग्जांपल और देता हूँ, फिर हमने उसके बाद हेयर और लिसन में डिफरेंस देखा था, है ना। लिसन का मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब क्या होता है, आपको जो पता है वो अलग है, जो एक्चुअल चीज़ है वो अलग है, वो फिर वहाँ पे आपको पता है। ठीक है, दो चार वर्ब्स के एग्जांपल्स मैं और देता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम परफॉर्मेटरी वर्ब्स पे, जहाँ पर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं। देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई एम स्मेलिंग अ रोज, ठीक है, स्मेल भी एक स्टेडी वर्ब रिप्रेजेंट बताया था ना कि स्टेडी वर्ब का काम करता है, कि उसमें सी स्मेल वगैरह मैनेज नहीं आता। एक एग्जांपल लिखा ये, अ रोज इज स्मेलिंग नाइस, आई एम स्मेलिंग रोज में देखिए इसका मतलब है मैं एक रोज सूंघ रहा हूँ। जब मैंने कहा मैं ये से फॉर एग्जांपल रोज है, मैंने सूंघा तो गोइंग ऑन एक्शन है, मैं उसे सूंघ रहा हूँ, टेम्प्रेरी होगा, उस मोमेंट के लिए होगा, आई परफॉर्म कर रहा है स्मेलिंग का एक्शन। ठीक है, कर सकता है, लिविंग बींग है आई, है ना, मैं ह्यूमन कर सकता हूँ, तो सेंटेंस बन गया आई एम स्मेलिंग अ रोज। ठीक है, लेकिन जब मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ अ रोज इज स्मेलिंग नाइस, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो सब्जेक्ट रोज हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्मेलिंग मेन वर्ब है, क्या ये स्मेलिंग का एक्शन रोज कर सकता है, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि रोज। इसकी हिंदी पता बच्चे क्या बनाते हैं, इसकी हिंदी बच्चे बनाते हैं गुलाब की खुशबू अच्छी है, या गुलाब में से अच्छी खुशबू आ रही है, या गुलाब अच्छी खुशबू देता है। वो हिंदी तब बनेगी जब वैसा सेंटेंस होगा, इसकी तो हिंदी है कि गुलाब सूंघ रहा है, अ रोज इज स्मेलिंग, ये देखो मैं नाइस को हटा के मी कर देता हूँ, बात खत्म हो गई, है ना, अ रोज इज स्मेलिंग मी, गुलाब मुझे सूंघ रहा है, कैसे पॉसिबल है, तो संभव ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है बच्चों, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है ना, ये एक्शन को ना रिप्रेजेंट करके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक्शन सेंटेंस है, कि गुलाब की खुशबू अच्छी होती है उसकी क्वालिटी है। अब गुलाब की खुशबू अच्छी होती है जनरल फैक्ट है, टेम्परेरी है परमानेंट है, टेम्परेरी है, है ना, और अगर वो टेम्परेरी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो बन ही नहीं सकता, सेंटेंस बनेगा अ रोज स्मेल्स नाइस, इस तरह से कहानी चेंज हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। और इस भी यहाँ पे स्मेल या टेस्ट वगैरह में आईएनजी हम जनरली यूज करते नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ ये मैंगोस आर टेस्टिंग स्वीट, अब ये कहना तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैंगो अच्छा टेस्ट कर रहे हैं, वो उनका मीठा स्वाद होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ मैंगोस मैंगोस टेस्ट स्वीट, जब मैंगो खाया जाता है तो उसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो स्वीट होता है, है ना। और अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई एम टेस्टिंग मैंगोस, आई एम टेस्टिंग मैंगोस, अब ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है आई, लिविंग बींग है, टेस्ट का एक्शन परफॉर्म कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो स्टेटिव वर्ब्स जो वर्ब्स है ना, वो स्टेटिव कब है आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन यूज की जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस में आईएनजी को जज करेगा कब आईएनजी आएगा और कब आईएनजी नहीं आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, स्मेल और टेस्ट का भी हो गया, हैव का क्लियर भी हो गया, लिसन वगैरह का भी हो गया। देखिए सेंटेंस समझिएगा, आई फील बैड फॉर अनएजुकेटेड पीपल, इसका मतलब है आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है अनपढ़ लोगों के लिए। तो जब वो लिख रहा है आई फील बैड फॉर अनएजुकेटेड पीपल, तो यहाँ पे जो फील है इसके बारे में क्या बता रहा है, उसका नेचर बता रहा है, और अगर उसका नेचर दिखा रहा है तो उसमें आईएनजी नहीं आना चाहिए, प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा ना, परमानेंट हो गया। ठीक है, आप ये तो नहीं लिख सकते आई एम फीलिंग बैड, आप ये नहीं लिख सकते ना आई एम फीलिंग बैड फॉर अनएजुकेटेड पीपल, आई एम फीलिंग बैड फॉर अनएजुकेटेड पीपल,
बिकॉज ये जो आपकी फीलिंग है ये एक टेम्प्रेरी कंडीशन की तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए अनपढ़ लोगों के लिए बुरा लगता है, राजस्थान के लोगों के लिए, जयपुर के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा लगता है या नहीं भी लगता पता नहीं, चेंज हो जाएगा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अगर मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तो आई एम फीलिंग बैड तो टेम्प्रेरी बन ही नहीं सकता, तो फील माइंस यहाँ पर नहीं आएगा, पहले वाले में आ गया। बिकॉज पहले वाले में क्या शो किया जा रहा है, नेचर हमारा परमानेंट रहेगा। लेकिन अगर सेंटेंस मैं इस तरह से लिखता हूँ या इस तरह से एग्जाम में सेंटेंस दिया जाए, How are you feeling now? तो जब उसने कहा कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम कैसा महसूस करते हो अब, तुम्हारी अब की कंडीशन की बात कर रहा है। तुम जैसा भी महसूस कर रहे हो इस कंडीशन में, वो हमेशा के लिए तो नहीं होने वाला, वो उसी कंडीशन में है। अगर वो उसी कंडीशन में है तो उस कंडीशन के लिए टेम्प्रेरी बनेगा, और अगर टेम्प्रेरी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, जो ये हुआ है बिल्कुल सही है, बिकॉज ये टेम्प्रेरी बन गया। आप कहीं घूमने गए, ठीक, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की, उस हॉस्पिटल आप वहाँ के हॉस्टल होटल वगैरह में, तो वहाँ पे लोगों ने आपसे पूछा, सर आपको यहाँ पर आके कैसा फील हो रहा है, तो आपसे वो पूछेंगे, सर हाउ आर यू फीलिंग हेयर। वो जो भी फील होगा आपका, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, अमेजिंग, बहुत ख़राब, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, वो टेम्प्रेरी ही होगा जब तक के लिए वहाँ पर आपको आए। तो आई एन जी आ सकता है, आप रिप्लाई कर रहे हैं आई एम फीलिंग वेरी गुड, ठीक है, हाउ आर फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी गुड, तो सेंटेंस लिखा आई एम फीलिंग गुड या आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेल, इस तरह से लिख दीजिए, तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिकॉज वो जो फीलिंग है वो आपका एक्शन है जो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बना ना आई एन जी फील के अंदर। अब यहाँ दोनों वर्ब्स में फील जो है स्टेडी वर्ब का काम कर ही नहीं रहा, सर वो एक्शन दिखा रहा है ना। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई वॉज फीलिंग द स्विच, ऑल राइट, आई वॉज फीलिंग द स्विच इन द डार्क। अब इस फील का मतलब क्या है, मैं स्विच को महसूस कर रहा था या हाथ लगा के स्विच को ढूंढ रहा था। हाँ भाई, जब हम सब कमरे में आते हैं, अपने रूम में आते हैं, तो हमें तो पता ना हमारे रूम में कहाँ पे लाइट का बल्ब स्विच वगैरह लगे होते हैं, एकदम अंधेरा, तो हम कैसे ढूंढते हैं, ऐसे करके ढूंढते हैं ना आसपास कहीं कहीं होगा। तो जब आप फील को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को टच करके महसूस करना, तो फील आपका एक्शन वर्ब हो जाएगा, बिकॉज आप फील कर महसूस कर रहे हो टच करके, स्टेडी वर्ब नहीं रहा तो आई एन जी आ गया, बिल्कुल सही है ना, अलग डिफरेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, द डॉक्टर वॉज फीलिंग माय नर्व, ये भी लिखा जा सकता है, डॉक्टर क्या फील कर रहा था भाई, डॉक्टर फील कर रहा था मेरी नर्व को, सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैसे फील करेगा, टच करके फील करेगा, टच कर रहा है, फील कर रहा है, अच्छा ठीक चल रही है, बुरी चल रही है, हल्की चल रही है, लो चल रही है, जो भी है, तो इस तरह से आ जाएगा। बात क्लियर, आगे प्रोसीड करते हैं जी, दो चार वर्ब्स और रह गई हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे परफॉर्मेटरी वर्ब्स के साथ। आई होप कि आप सब बच्चे बड़े अच्छे से सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपको जरूरत है, और आप कर भी रहे हैं ऐसा मैं मुझे लगता है, मैं सोच के चल रहा हूँ, और राम जी करें कि आप सबको जल्द से जल्द आपकी मंजिल मिले, जिससे कि आप हार्ड वर्क करके आगे प्रोसीड करें। देखो भाई, मैं सेंटेंस लिखता हूँ तीन चार, देखिएगा बच्चों और समझिएगा, थोड़ा सा अलग होगा ये, ठीक है जी। अगर सेंटेंस लिखा जाता है आई, अभी तक स्टेडी वर्ब भी चल रहा है, इसके बाद आपका परफॉर्मेटरी वर्ब आ जाएगा, आई एम सीइंग टीवी, आई एम लुकिंग टीवी, और आई एम वॉचिंग टीवी, और मैं आपसे पूछ लूँ कि चलिए बताइए इन तीनों में से सही सेंटेंस कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे भाई, जल्दी से बता दीजिए। देखिए मुझे पता आप क्या आंसर करने वाले हैं, और जो भी आप आंसर करेंगे वो सही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तुक्का बैठ जाएगा, स्टूडेंट साउंड के अकॉर्डिंग चलता है, सेंटेंस को देख के साउंड कैसा आ रहा है, साउंड ठीक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, तो ठीक है भाई उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, साउंड ख़राब आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को गलत बोल देंगे। देखिएगा इन तीनों सेंटेंसेस को आंसर करने के लिए ना आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि वॉच, लुक और सी में डिफरेंस क्या है, ठीक, और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सी, वॉच और लुक दोनों तीनों आपस में सिनोनिम्स नहीं है। अब मैं एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ बच्चों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते नहीं हैं, इनको हम अपनी सुविधा के हिसाब से ही यूज़ करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वर्ड यूज़ किया आपने, उसको अगर डिक्शनरी में फाइंड आउट करोगे तो उसके 10 से ज़्यादा सिनोनिम्स मिलेंगे, सही हूँ मैं। अगर एक ही प्रकार के 10 शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम है,
तो 10 बनाने की क्या आवश्यकता थी? खुद सोचिए इस बात को। अगर एक ही प्रकार के एक 10 शब्द हैं तो 10 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, एक ही वर्ड शब्द बनाया जाता उसी से सारा का सारा पर्पस पूरा कर लेते हम लोग। हर शब्द का अपना एक डेफिनेशन होता है। जब आप इसके अंदर एम फिल वगैरह करते हैं इंग्लिश इंग्लिश ऑनर्स में, तब आपको इसी सिखाई जाती है। जहाँ पर आप मास्टर्स के बाद एम फिल पी एच डी करने के बाद पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें काफ़ी रिसर्च वगैरह की जाती है, तो वहाँ पे टाइमोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर वर्ड का अपना एक डेफिनेशन होता है सर। सी का अपना डेफिनेशन है, लुक का अपना डेफिनेशन है, वॉच का अपना डेफिनेशन है। जहाँ जिस शब्द का डेफिनेशन आएगा वहीं पर वो शब्द यूज़ होगा, और अगर आपने कोई और शब्द यूज़ किया तो वो गलत हो जाएगा। अब इसका सबसे ज़्यादा यूज़ पता है कहाँ पर होता है? क्लोज टेस्ट में। और फिर बच्चा कहता है अरे भैया क्लोज टेस्ट तो बड़ा मुश्किल है यार, क्लोज टेस्ट तो इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन डू कांट डू क्लोज टेस्ट ऑलवेज टेक माय लाइफ टेक माय मार्क्स। तो ऐसा होता नहीं है बच्चे, क्लोज टेस्ट में ये सब चीज़ें होती है, बस थोड़ा सा नॉलेज वहाँ पर ज़्यादा चाहिए होती है, तो अकॉर्डिंगली उसे देखना पड़ता है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब है। देखिएगा, सी एक ऐसी वर्ब है जो एक्शन कभी दिखाई नहीं सकती। इसका मतलब होता है सी का परसीव बाय साइट। लुक भी आपका एक्शन वर्ब नहीं है। इसका मतलब होता है परसीव, अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। परसीव बाय साइट क्या है? परसीव विद अटेंशन। और वॉच एक ऐसी वर्ब है जो एक्शन के लिए यूज की जाती है हमेशा। इसका मतलब होता है आपका ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व विद अटेंशन। ये कहानी आती है सर। परसीव का मतलब होता है बच्चों महसूस करना, ठीक है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है दरवाजे पे कोई है। मुझे महसूस कैसे होगा? मेरी सेंसेस से मुझे आवाज़ आ जाएगी ना। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि उस रसोई में कुछ जल रहा है, कैसे महसूस होगा मुझे? मैं स्मेल कर लूँगा, मेरी स्मेल की सेंसेस से आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो होते हैं ना एक्शन, स्मेल करना हो गया, स्मेल आ रही है किस चीज़ की और उस कानों में आवाज़ पड़ रही है किस चीज़ की, तो ये मैं अपनी फीलिंग से नहीं कर रहा हूँ, अपने एक्शन से नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअल एक्शन क्या है? आपसे बात करना। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू, ये मेरा एक्शन। इसमें आईएनजी लगा सकता हूँ, मुझे आवाज़ सुन रही है, मुझे कोई स्मेल आ रही है, आई कैन नॉट यूज़ आईएनजी विद दीज वर्ब्स। तो सी का मतलब होता है कि इस चीज़ को देखकर महसूस करना, कोई चीज़ यहाँ पर है। क्या तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे कैन यू सी दैट बॉय, बोलेंगे ऐसा। मुझे तुम्हारी पॉकेट में कुछ नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये फर रहा है, ये एक चिट है जो तुम यूज़ करने वाले एग्जाम में। आई कैन सी अ चिट इन योर पॉकेट, यू मस्ट बी गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, बोलते हैं ऐसे, बोला जाता है ना ऐसे। तो सी का मतलब होता है परसीव बाय साइट, किसी को देखकर बस महसूस करना कि वो है, एक्शन नहीं होता वो, ठीक है? अगर मैं किसी की तरफ देख रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ देखने का अपनी मर्जी से, तो वो वॉच बनेगा। उसका मतलब होता है ऑब्जर्व का मतलब होता है देखकर पहचानना। आप टीवी देखते हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, बड़े अच्छे तरीके से सुनते भी अच्छे तरीके से, उसको सुनने में उसका ध्यान होता है, उसको लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग समथिंग वगैरह, और देखते भी उसको। तो ये है आपका एकमात्र एक्शन वॉच का, ये सेंसेस से रिलेटेड होता है आपका, ये भी आपका सेंसेस से ही रिलेटेड होता है, एक्शन नहीं होते। लुक का मतलब ही वो किसी चीज़ को महसूस करना होता है लेकिन अटेंशन के साथ। अटेंशन के साथ कैसे महसूस करते हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ, पीछे से बच्चा आया, बोला भैया भैया वो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे वो कहा भैया भैया वो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपना काम कर रहा था, मैं एकदम से वहाँ देखूंगा ना, तो वो मेरी अटेंशन वहाँ चेंज हो जाएगी और मैं महसूस करूँगा अरे वहाँ पे कुछ हो रहा है, वो लोग खड़े हैं क्या, झगड़ा हो रहा है क्या, इस तरह से। तो उसे लुक बोलते हैं। और वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, वो एक्शन होता है आपका। इसलिए इन तीनों में से जो आईएनजी फॉर्म लगेगा सिर्फ एक्शन वाली फॉर्म में लग सकता है, और एक्शन वाली वर्ब कौन सी आ गई? वॉच। इसलिए थर्ड सेंटेंस सही होता है, पहला और दूसरा गलत हो जाता है। बनी बात? अगर मैं लिखूंगा सेंटेंस लुक एट, तो इसका मतलब होता है वॉच, अब इसमें आईएनजी आ जाएगा। और अगर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा लुक फॉर, तो इसका मतलब होता है टू सर्च, किसी को ढूंढना, तो आईएनजी आ जाएगा, दोनों में एक्शन बन जाएगा, नहीं ना? ठीक है, तब आप आईएनजी यूज़ कर सकते हो, पर ऐसे ही इसमें आईएनजी यूज़ नहीं किया जा सकता। इस तरह सेंटेंस अगर लिखा जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ सेंटेंस को, आई एम लुकिंग एट यू, तो इसका मतलब है आई एम वॉचिंग यू, बना? और अगर सेंटेंस लिखा जाएगा आई एम लुकिंग फॉर माई नोट्स, तो इसका मतलब है मैं नोट ढूंढ रहा हूँ, सेंटेंस ये भी होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम सर्चिंग फॉर माई नोट्स, वो भी ठीक हो जाएगा। आई एम वॉचिंग इट यू, वो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से वो सेंटेंस बना सकते हो। सी में भी आई एन जी यूज़ किया जा सकता है जब सी का मतलब देखने की बजाय मिलना हो, यानी कि मीटिंग हो।
अगर वो मीटिंग के रिगार्ड में यूज़ किया जा रहा है तो सी में आप आईएनजी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वो सेंस वाली वर्ब नहीं बनेगी, वहाँ पे वो एक्शन वाली वर्ब बन जाएगी। किस तरह से? इस तरह से, आई एम सीइंग माय मैनेजर टुमारो, बन गया ना। अब मैं अपने मैनेजर कल देख रहा हूँ, देखने से मतलब क्या होगा, मैं देख रहा हूँ उसको या मैं उससे मिल रहा हूँ, अंडरस्टूड मिल रहा हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले लियो कि मैनेजर है मेरा। तो आई एम सीइंग माय मैनेजर टुमारो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं हुआ, यहाँ सी का मतलब हो गया मिलना। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपके यूज़ किए जाते हैं, इस तरह से स्टेट रिवर्स में वेरिएशन आ जाते हैं। अब इतनी डिटेल में बच्चा पढ़ता नहीं है, एक तो बच्चा कतराता है इतनी डिटेल में जाने में, दूसरा पढ़ाया भी नहीं जाता उनको, तीसरा जो बुक्स आपके पास होती है भैया वो स्टैंडर्ड नहीं होती हैं, वो सैंपल पे बने सारे के सारे, कॉपी पेस्ट करके लिखा होता है, तो उसमें ना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए चीज़ें वहाँ मिलती नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा आपको। हालांकि ये हर चीज़ हर एक ही किताब में नहीं मिल सकती, मैंने भी लॉट्स ऑफ आई हैव रेड बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, तब जाके ये सारी नॉलेज मिलती है। तो ये सारा स्टडी वर्ब था जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस कारण से हमें परेशानी होती है, हमें आधी अधूरी चीज़ें पता होती हैं, जब नंबर कटते तो लगता है यार ये क्यों हो गया। अब अगर इस हिसाब से चलोगे तो वो आपका कभी भी कैसे भी इसको यूज़ कर ले, आपको कभी परेशानी नहीं हो सकती, आपको पता है कब आईएनजी आएगा कब आईएनजी नहीं आएगा। ठीक है जी, अब इसको हम हटाते हैं और पार्ट थर्ड पे चलते हैं, परफॉर्मेटरी वर्ब्स पे। जैसे ही हम परफॉर्मेटरी वर्ब्स करेंगे वहाँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ हम ये भी सीख चुके होंगे कि स्टेटिव वर्ब और परफॉर्मेटरी वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा तो वो किसी भी प्रकार के कॉन्टिन्यूअस एक्शन में यूज़ नहीं हो सकते, ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना जी। देखिए मैं बात करता हूँ परफॉर्मेटरी वर्ब्स की, परफॉर्मेटिव वर्ब्स। 1965 में ये कॉन्सेप्ट दिया था ए जॉन ऑस्टिन ने, ठीक है, ऐसे जॉन ऑस्टिन लिख देते हैं। जॉन ऑस्टिन नाम के एक फिलोसोफर हुए थे, अच्छे खासे पीएचडी स्कॉलर थे, जिन्होंने 1965 में परफॉर्मेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अब परफॉर्मेटरी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है, आप वो समझिए, देखिएगा। आई रन एवरी डे, आई एम रनिंग, आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, we order you to work here, they guarantee the quality of their services I divorce you। ये examples हैं आपके सामने, ठीक है। आप समझिएगा क्या होता है, I run every day का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं हर रोज भागता हूँ, मेरा जनरल फैक्ट है ये। आई एम रनिंग का मतलब क्या है, मैं भाग रहा हूँ। तो ये तो आपका एक फैक्ट आ गया, ठीक है, मेरे बारे में जनरल फैक्ट है, और ये आपका एक्शन आ गया। होता क्या है, जब नॉर्मल वर्ब्स की बात करते हैं, नॉर्मल वर्ब्स में एक्शन दिखाने के लिए हमें उन वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के रिगार्ड में, ठीक है। आई एन जी नहीं भी यूज़ करते हैं खाली हेल्पिंग में नहीं भी यूज़ करते हैं खाली आई एन जी यूज़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे तो भी उसमें एक्शन शो करेगा, रनिंग बॉय, भागता हुआ लड़का, ठीक। लेकिन परफॉर्मेटरी वर्ब्स क्या होती है, परफॉर्मेटरी वर्ब्स का मतलब होता है बाय जस्ट सेइंग the verb we perform that action, ये इसका मतलब होता है सर, ये है परफॉर्मेटरी वर्ब्स। परफॉर्मेटरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको मात्र कहने भर से ही आप एक्शन परफॉर्म करते हैं।
शब्दों के साथ कैसे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ये जे अस्टिन ने बताया था 1965 में कि आपको तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए आईएनजी यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप कुछ शब्द ऐसे भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऐसा नेचर रखते हैं कि उन शब्दों को मात्र कहा और एक्शन परफॉर्म हो गया। कैसे, अब समझिए, आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, जब आपने कहा कि मैं अपने बिहेवियर के लिए क्षमा मांगता हूँ, तो जैसे ही आपने कहा आई अपोलोजाइज, ये अपोलोजाइज कौन सी वर्ब है, परफॉर्मेटरी वर्ब है, क्योंकि इसका मतलब है आई एम मेकिंग एन अपोलॉजी, ये इसका मतलब है सर। आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर का मतलब है आई एम मेकिंग एन अपोलॉजी, बिकॉज अपोलोजाइज एक ऐसा वर्ब है जिसको मात्र कहने से वो एक्शन हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, जब मैंने कहा मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा जनरल फैक्ट है या आई एम मेकिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन, आई एम मेकिंग दैट एक्शन, आई एम मेकिंग एन ऑर्डर, इसका मतलब यही होगा, वी आर मेकिंग एन ऑर्डर, हम एक ऑर्डर बना रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द ऑर्डर, उसको परफॉर्म कर रहे हैं हम चीज़ को, एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं हम। तो परफॉर्मेटरी वर्ब जो होती है बच्चों, वो वर्ब्स होती हैं जिनको मात्र कहने पर से आप एक्शन परफॉर्म करते हो। यानी कि ये जो वर्ब है ना आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, आप खुद सोचिए, जब मैंने लिखा सेंटेंस आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, ये कोई मेरा जनरल फैक्ट तो नहीं है, ना ही मेरी हैबिट है, ना ही मेरा रूटीन है, ना ही मेरा परमानेंट एक्शन है, तो ये क्या, ये मेरा एक्शन है सर। इन वर्ब्स में, परफॉर्मेटरी वर्ब्स में, दे हैव द फोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्शन, इनमें कॉन्टिन्यूस एक्शन का फोर्स होता है, कॉन्टिन्यूस एक्शन का फोर्स होता है जिस कारण वंश इनके साथ आईएनजी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो सुपर फ्लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वी आर ऑर्डरिंग, ऐसा सेंटेंस ना तो आपने कभी सुना ना कभी पढ़ा, ये एग्जाम में आएगा तो मे बी गलत करा होगा क्योंकि साउंड खराब लग रहा है, लेकिन ये है कहां, कहीं से लेके कहीं तक कोई आइडिया नहीं है। आप किसी भी YouTube चैनल में आप किसी वीडियो उठा के देख लीजिए, टेंस में आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी, 5 मिनट में टेंस का राजा बनिए, 10 मिनट में टेंस आपका गुलाम, टेंस इतना आसान, सब बकवास बांधिए सर। आप खुद चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपको कितना आता है, ऐसा नहीं होता है, ना ही हो सकता है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो। कहीं नहीं मिलने वाले कॉन्सेप्ट, ये बहुत रेयर वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट हैं, तो समझने पे ही समझ में आ पाएंगे। आप जानते हैं मुझे आपको एक लिस्ट देने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ब्स परफॉर्मेटरी वर्ब्स होती हैं, हालांकि मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे सारे के वर्ब्स, क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सेंटेंस को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आप इसको देखिए ना, आई रन एवरी डे, ये मेरी स्टेटमेंट है, मेरा एक्शन है ही नहीं, अगर मुझे इसमें एक्शन को कन्वर्ट करना तो मैं क्या लिखूँ, आई एम रनिंग, लेकिन ये मेरा एक्शन है सर। आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर मतलब मैं माफी मांग रहा हूँ। वी ऑर्डर यू टू वर्क मतलब हम तुम्हें कर रहे हैं ऑर्डर की, तुम यहाँ काम करो। दे गारंटी का मतलब क्या है, दे आर गारंटिंग, एक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, इसलिए जब मैं लिखूंगा यहाँ पे दे आर गारंटिंग, देखो सुनने में कैसा अजीब सा लग रहा है, दे आर गारंटिंग, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। आई डाइवोर्स यू का मतलब क्या है, आई एम परफॉर्मिंग दैट एक्शन, इसलिए आई एम डाइवोर्सिंग यू कहना पॉसिबल नहीं होगा, वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। बात क्लियर हुई आपको? तो ये परफॉर्मेटरी वर्ब्स होती हैं जिनको मात्र कहने भर से ही आप एक्शन को परफॉर्म कर देते हैं, कि जस्ट इनको मात्र कहा और एक्शन परफॉर्म हो गया, है ना। तो ये जो वर्ब्स होती हैं इनको लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परफॉर्मेटरी वर्ब्स को, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूँ, आपको एक बार उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास रहे ये, पर आपको कतई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखते सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। ये सारी की सारी आपकी परफॉर्मेटरी वर्ब्स हैं जिनको मात्र कहने भर से ही क्या हो जाता है, आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो मात्र कहने भर से ही एक्शन को परफॉर्म कर देगा, उसमें आपको एक्शन को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं हो पाएगी। अब कोई भी इसमें से आप वर्ब ले लीजिए, ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो आपने लाइफ में पहली बार देखी हो, ये सब आप ऑलरेडी पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लाइफ में देख चुके हैं, पर हाँ आपने ये नहीं पढ़ा था कि ये परफॉर्मेटरी वर्ब्स होती हैं, इनको परफॉर्मेटरी वर्ब्स कहा जाता है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए। तो बस आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह से उसको यूज़ किया गया और कैसे यूज़ किया गया, है ना।